What's up everybody, it's your gamer boss here and welcome back to another gameplay video of Minecraft. So guys, हम लोग दोबारा से Minecraft खेलने वाले हैं and मैं बहुत time बाद Minecraft open कर रहा हूँ because भाई रीजन मैं एकदम सीधा सीधा बता दूंगा. मैंने अपना एक न्यू पीसी बिल्ड किया है बिकॉज पुराने वाले पीसी में थोड़ा प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे थे एंड मेरा वॉल्ट पूरा चला गया, ये तो आपको पता चल ही गया होगा. लेकिन एक न्यू स्टार्ट करेंगे इस न्यू पीसी के साथ एंड इस बार भाई बहुत खतरनाक लेवल के वीडियोज आने वाले हैं. तो भाई सपोर्ट दिखाना अपने भाई को यार और लाइक सब्सक्राइब करना, ये मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, अच्छे अच्छे वीडियोज आएंगे. तो चलो शुरू करते हैं आज का ये माइनक्राफ्ट वीडियो. तो गाइस यार हम लोग अपने माइनक्राफ्ट गेम के अंदर आ चुके हैं एंड चलो भाई चलते एक नया वर्ल्ड क्रिएट करते. ये मैंने एक टेस्टिंग के लिए किया था, ठीक है गाइस, ये मैंने टेस्टिंग के लिए किया था वीडियो के पहले. सो हम अपने वर्ल्ड का नाम रखने वाले हैं चलो रिपुंजल किंगडम एंड मारते क्रिएट. एंड गाइस चलो जब तक वर्ल्ड लोड होता है वीडियो को लाइक कर देना जिन लोगों ने नहीं किया. सो गाइस यार वर्ल्ड लोड हो चुका है भाई एंड हमको कैसा स्पॉन मिला है भाई एक बार देखूं. भाई स्पॉन तो अच्छा ही मिला होगा बिकॉज जंगल बायोम मिला है और सामने स्नो बायोम भी है, मतलब विलेज तो है भाई, इधर विलेज है, इधर विलेज मिल सकता है. एंड भाई मेरे को पेड़ के ऊपर हर बार क्यों स्पॉन मिलता है मेरे को एक चीज़ पता नहीं चलता भाई. पेड़ के ऊपर तुम लोग स्पॉन दे के भाई मारना चाहोगे क्या भाई? कभी रात चल रही इधर ज़ॉम्बी तो आराम से मार के चला जाएगा भाई, क्या यार. चलो गाइस सबसे पहले हम वो करते हैं जो माइनक्राफ्ट में आके हम लोग करते हैं, थोड़े टूल्स बना के थोड़े अपग्रेड हो लेते हैं बिकॉज हमको सर्वाइव करना है, ठीक है माइनक्राफ्ट में सर्वाइव करना है हमको, बिना हाथ से नहीं लड़ना है, हाथ से एंडर ड्रैगन को नहीं मारना है, ठीक है. तो चलो गाइस थोड़े टूल्स बना के आप लोगों से मैं थोड़े मिनट के अंदर मिलता हूँ. गाइस यार हमने सारे के सारे टूल्स बना लिए. मैंने एक स्वॉर्ड बनाई है, ठीक है मैंने एक स्वॉर्ड बनाई, एक शवल बनाई है, एक एक्स बने और एक पिकैक्स बने जो हमको सर्वाइवल में चाहिए होगा, ठीक है. सो थोड़ा एक्सप्लोर मारते, टूल्स तो हमने बना लिए, थोड़ा एक्सप्लोर मारते कुछ अच्छा स्पॉन, मतलब कुछ स्पॉन नहीं, स्पॉन तो अच्छा ही मिले, कुछ अच्छा स्पॉट मिल जाए तो, ठीक है गाइस. गाइस हमको बायोम तो अच्छा मिले लेकिन दिक्कत इस बात का है भाई ये पूरा स्नो है, ठीक है भाई इस साइड को जंगल है और इस साइड को स्नो है. अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं स्नो की तरफ जाऊँ कि मैं जंगल बायोम की तरफ जाऊँ. तो मतलब जंगल नहीं, मतलब प्लेन्स टाइप का, मतलब जंगल ही है समझ लो, ठीक है मैं आपको कैसे समझाऊँ भाई. मतलब इस साइड को जंगल है, इस साइड को प्लेन्स है, मतलब इस साइड को स्नो है भाई, क्या भाई जीवान फिसल रही भाई. इस साइड को स्नो है और इस साइड को प्लेन्स एरिया है. तो चलो भाई कुछ भी सोचे समझे प्लेन्स में चलते हैं बिकॉज भाई अभी हम स्नो में नहीं जाएंगे बिल्कुल. स्नो में मेरे को पता है विलेज, मतलब विलेज तो मिल जाएगा लेकिन मैं नहीं जाने वाला उधर, मैं प्लेन्स एरिया में जाने वाला हूँ बिकॉज भाई यार घर भी उधर ही बनाने वाला है ना, ठीक है. और गाइस यार फूड की कमी तो पड़ ही चुकी है भाई, शीप मेरे को मारना पड़ेगा तुमको यार, ठीक है भाई पहले माफ़ी मांग रहा हूँ. तो चलो गाइस ठीक है मैं थोड़ा फूड इकट्ठे कर लेता हूँ. गाइस फूड इकट्ठे करते करते मेरे को और एक बात याद आई भाई, मैं सिर्फ फूड हमको नहीं चाहिए भाई, हमको एक बेड भी बनाना है, ठीक है हमको सर्वाइव करना. अभी तक हमको विलेज नहीं मिले लेकिन हाँ ट्राई करूँगा मैं विलेज ढूंढने की, ठीक है. सो चलो थोड़ा घूमते इधर भाई, मैं कहाँ जा रहा हूँ मेरे को खुद नहीं पता बट चलो भाई थोड़ा निंजा हथौड़ी बनते भाई यहाँ से, ठीक है ये लेंस को भाई इधर चलो ये चलो थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है. एंड मेरे को यार कुछ तो यार मिल जाए यार, ठीक है इतना अच्छा स्पॉन मिला, इतना प्लेन्स बायो में, ठीक है एक अच्छा सा विलेज मिल जाए बस उतना ही शांति, मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है मैं बिल्कुल एकदम शांत रहूँगा विलेज में जाके. गाइस फाइनली भाई कुछ तो मिला भाई, मैं सोच रहा था कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन हाँ कुछ तो मिला भाई. चलो यहाँ से MLG करे कूदे, MLG तो नहीं करेंगे, ठीक है थोड़ा बिग ब्रेन यूज़ करते. चलो निकलते भाई, मैं मर जाऊँगा, मैं ऐसे मर जाऊँगा, मैं मजाक नहीं करूँ, मैं ऐसे मर जाऊँगा, ठीक है मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मेरे को आराम आराम से चलना है, आराम आराम से. चलो भाई नीचे तो उतर तो चुके हैं एंड गाइस एक काम कर दो, ठीक है केप तो मिल ही चुका है, स्टोन टूल्स में अपग्रेड एक बार हो ही लेते हैं, ठीक है. गाइस यार मैंने थोड़े खाना कुक कर लिए, ठीक है मैंने थोड़े मटन ले लिया और मैं खा भी लेता हूँ भाई, ठीक है. एंड चलो चलते यहाँ से भाई, मेरा स्टोन ओन खत्म ही हो चुका है पूरा एकदम लगभग,
छः बाकी है, मेरे को चाहिए होगा भाई कभी बिल्डअप करने के लिए। मैं थोड़ी इकट्ठी कर लेता हूँ, ठीक है गाइज, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं थोड़े स्टोन इकट्ठे करके एंड थोड़े पेवे तोड़ के आप लोगों से 2 मिनट के अंदर मिलता हूँ। सो गाइज यार मैंने थोड़े प्लैंक्स और ये इकट्ठे तो कर लिए, बट भाई अभी रात होने लगी है, ठीक है अब हमको एक बेड बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज वरना हम मर जाने वाले। अगर विलेज मिल गया तो सही बात है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं करने वाला, अभी एक बेड बना ले तो ठीक है, और कल सुबह चलेंगे। तो भाई शीप सॉरी, मेरे को तुमको मारना पड़ेगा, मैं भाई कितनी बार सॉरी बोलूँगा। चलो सो गाइज यार भाई एक बेड बना लेते हैं, ठीक है भाई रात तो एकदम हो ही चुकी है, अब पूरी रात ही हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइज, एक नया दिन हो चुका है माइनक्राफ्ट का एंड चलो आज हमको बहुत कुछ करना है, ठीक है आज एकदम बहुत कुछ करना है, ऐसे वेले नहीं बैठना है, ठीक है। तो चलो पहला काम आज विलेज ढूंढते, ठीक है बिकॉज हमारे पास बिल्कुल फूड नहीं है, कुछ भी नहीं है एंड मैं मतलब बार बार मैं इनको मार मार के मैं खाने इकट्ठे करूँगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो एक विलेज ढूंढते सबसे पहले एंड चलो गाइस थोड़ा एक्सप्लोर करते, ठीक है विलेज मतलब विलेज तो ढूंढते ही है लेकिन एक्सप्लोर भी करते एंड मेरे को इधर थोड़े पिक दिख चुके हैं, तो भाई यार भाई मेरे से रहा नहीं जाने वाला, ठीक है भाई ये माइनक्राफ्ट है आपको पता है भाई, हमको खाने की ज़रूरत पड़ेगी भाई, इसलिए सॉरी भाई यार दिल से बुरा लगता है भाई इनको मार के यार। चलो भाई दे दो यार खाना यार, भाई मजाक मत उड़ाओ यार, इज्जत है भाई, लेकिन एक दिन तुमको हम बताएंगे भाई, एक दिन हम तुमको हमारे किंगडम में रखेंगे, ठीक है लेकिन मैं किंगडम कब बनाऊंगा ये भी पता नहीं है। चलो ठीक है गाइस जोक्स को छोड़ते एंड एक विलेज ढूंढने की कोशिश करते भाई, विलेज यार प्लीज यार एक विलेज मिल जाए भाई। शिव भाई एक बता, तू मेरे को बता विलेज कहाँ पे बता, इस साइड पक्का पक्का मिलेगा ना, मैं तेरी बात मान दूँ, ठीक है भाई तेरे को पता है तू माइनक्राफ्ट का मतलब मैं तेरे को नहीं मानने वाला इसीलिए, ठीक है पक्का मिलेगा ना, ठीक है मैं तेरे को छोड़ दे रहा हूँ भाई, तू आ जा भाई, तू कहाँ भाग रही है भाई, इधर आओ भाई तुम लोग आओ, मैंने उसको छोड़ने का बोला तुमको नहीं ना, पक्का उधर मिलेगा ना, अगर पक्का उधर मिलेगा तो मैं तेरे को व्हीट खिलाएगा, ठीक है डील डन। चलो भाई शीप को मतलब माइनक्राफ्ट के बारे में बहुत पता है भाई, लेकिन अगर इसने भाई स्कैम किया ना भाई इसको उठा के लेके जाएंगे, ठीक है टेंशन मत लो भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको लगा मैं स्कैम हो जाऊंगा ना, नहीं भाई इसको लग रहा है ये मेरे को स्कैम करेगा, रुको बताते हैं इसको, बट अगर मिल गया तो भाई सही हो जाएगा, लेकिन चलो ढूंढते हैं भाई। यार इतना भाई मेरे को चढ़ना पड़ेगा यार, ये गलत बात है भाई, ये एकदम ही गलत बात भाई, थोड़े कॉबल स्टोन लगा लूँ भाई, इधर आओ भाई, ये लेट्स गो भाई, बिल्ड कर करके जाना पड़ रहा है, देख रो भाई ऐसी हालत हो चुकी है एंड एक चीज़ अच्छा होगा कि मैं टॉप में जा रहा हूँ बिकॉज मेरे को दिख जाएगा अगर विलेज है तो, लेकिन इधर तो विलेज नहीं दिख रहा है। एंड गाइज मेरे को बताना, ठीक है मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, मतलब आप मेरे को सजेशन दो कि मैं माइनक्राफ्ट शेडर्स के साथ खेलूँ या बिना शेडर्स के साथ, ठीक है आप मेरे को सजेशन दो भाई, मेरी जीवान क्यों फिसल रही है मेरे को नहीं पता, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही इसीलिए, बट चलो गाइज शिप को नहीं मारेंगे, ठीक है इसने मदद मतलब थोड़ी तो मदद कर ली है, इसको नहीं मारेंगे अभी के लिए बिकॉज हमारे पास फूड तो थोड़े इकट्ठे हो जाए, 11 भाई मटन है, ठीक है हो जाएगा भाई। भाई इधर यार प्लीज यार एक विलेज मिल जाए यार, भाई कुछ नहीं चाहिए एक विलेज दे दो, सिर्फ एक विलेज मिल गया बस, उधर ही काम खत्म, मेरे को कुछ नहीं चाहिए माइनक्राफ्ट में भाई, लेकिन बहुत कुछ चाहिए, ठीक है मजाक करो भाई सीरियसली मत लो यार, इतना सीरियसली लोगे तो भाई कैसे होगा बताओ भाई, यहाँ से निकलते यार। गाइस मेरे को थोड़ा एक्सप्लोर मतलब मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है मेरे को थोड़ा टाइम दो मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ इधर विलेज मिला कि नहीं। गाइज इतना दूर भाई घूम घूम के आ चुका अभी तक मेरे को एक विलेज नहीं मिला है भाई, यार भाई क्यों करते हो यार, इतना अच्छा स्पॉन देते हो इतना अच्छे बायोम से, एक विलेज दे दो यार, एक विलेज तुम मतलब मेरे लिए जनरेट नहीं कर सकते भाई, ऐसे ऐसे तो जनरेट तो है लेकिन भाई ढूंढना पड़ेगा यार, पता नहीं कहाँ पे अभी। चलो गाइज थोड़ा ढूंढते हैं यार, ऑल डन गाइज, हमको भाई बहुत टाइम ढूंढने के बाद भाई एक विलेज तो मिला है भाई, मैंने बहुत टाइम ढूंढा है, ठीक है मतलब एकदम बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब
मैं कल से, मैं दूसरा दिन हो चुका है और मैं कल से खेल रहा हूँ, मेरे को विलेज नहीं मिला, बट फाइनली मेरे को विलेज मिल चुका है। और ये पिद्दी ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया भाई? भाई निकल जा भाई यहाँ से। भाई मैं विलेज के अंदर जाकर पहले सो के आता हूँ, ठीक है भाई? पहले बाद में इनसे मजे लेंगे, रुको। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये हमको आराम से मार सकते हैं। आराम से पहले सो के आते एंड मिलते दूसरे दिन। गुड मॉर्निंग गाइस, नया दिन हो चुका है एंड भाई ये पिद्दी ज़ॉम्बी मेरे को क्यों, इधर है तू, इधर है। मैं मर गया भाई। रिस्पॉन पॉइंट सेट करो, एक सेकेंड गाइस। चलो अभी हमको थोड़े हेबेल हेबेल मिल चुके हैं भाई। सबसे पहला काम हमको फूड इकट्ठे करने, तो मैं खोई बना के जल्दी से थोड़े हेबेल इकट्ठे करके ब्रेड बना ले तो भाई जल्दी से। डन गाइस, हमने ब्रेड बना लिया एंड मेरे को इधर गोलम मिल चुका है भाई। अब मेरे को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारा जो दूसरा टास्क होगा जो होगा हमको आयरन ढूंढना। लेकिन अभी मैं ग्राइंड करने नहीं जाने वाला, इस आयरन गोलम को मार के ले लेते भाई। लेकिन एक सेकंड भाई, ये मेरे को कूट सकते हैं भाई। भाई इधर आ भाई, रुको, इसको हम मारेंगे तो ज़रूर, लेकिन बिल्कुल अलग स्टाइल। भाई गिर गया तो भाई मैं मर गया गाइस। भाई अभी आपने देखा ना मेरे साथ क्या हो गया था भाई, जस्ट मरने वाला था, बच गया भाई। भाई गलती से मैंने क्राउच छोड़ दिया था एंड मैं मर गया था भाई, अभी मर गया था जस्ट। भाई मरना है बिल्कुल नहीं है, ठीक है गाइस, मैंने बोला मरना बिल्कुल नहीं है और हो गया भाई पोपट। भाई कोई नहीं, मेरा सामान इधर ही कही है, मेरे को पता है। ये रहा, मिल गया भाई। भाई यार गलती से भाई मेरा क्राउच क्यों छोड़ा भाई, मैं शिफ्ट दबा के रखा था फिर भी मैं गिर गया भाई। भाई तू अभी भी मेरे पे गुस्सा है? नहीं है। चलो 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 चलो, सामान उठाओ, अपना सामान उठाओ। अब तू भाई गया, अब तू पिटने वाला, बहुत गंदा पिटने वाला है भाई। रुको तो सामान कलेक्ट कर लो पहले, ये सब कुछ मिल गया, लेट्स गो। अब आ जा गोलम तू, भाई तू पिटने वाला है, बहुत गंदा मारूंगा। रुको, स्टोन के एक्स कहा गया, मेरी इन्वेंट्री सेट कर ले तो एक बार, ये हो गया। चलो आ जा भाई तू, आ जा। तूने मेरे को मारा कैसे भाई? मेरा एक एक्सपी तो चला ही गया। लेकिन भाई तू कहाँ अटक के बैठा हुआ यार, नीचे उतर। चल चल चल, इधर आ भाई। यार इसको मैं गुस्सा आ रहा है ना इतना। यस हो गया, गाइस गोलम को मार के मेरे को कितना आयरन मिला भाई, एक सेकंड को देख तो भाई। लेट्स गो भाई, 5 आयरन, पहली बार ऐसा लक चला है भाई। चलो हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ और 3 जो बचेंगे इनसे मैं एक शील्ड बना लेता हूँ, मतलब एक से मैं शील्ड बना लेता हूँ, बाकी का आयरन मैं रख दूंगा, बिकॉज मेरे को स्वॉर्ड और शील्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शील्ड की रेसिपी ये रही, चलो मैं शील्ड की रेसिपी भूल गया था गाइस, सॉरी। ठीक है भाई, माफ़ कर दो भाई, मतलब बहुत टाइम से माइनक्राफ्ट खेला नहीं हो ना, इसीलिए भूल गया था। तो हमारा जो मेन टारगेट है आयरन में अपग्रेड होना, वो तो हमने कर दिए। अब एक घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं या क्या करें बताओ। रुको एक काम करते हो, रुको भाई पहले इधर से ऊपर चलो भाई, इधर और कोई गोलम है क्या इधर? चलो चलो चलो, थोड़ा ऊपर चलो, लेट्स गो। मैं सोच रहा एक घर बना ले तो, और थोड़ी फार्मिंग कर लूँ, ठीक है, एक घर बना के थोड़ी फार्मिंग कर लेते हैं, बिकॉज हमको सर्वाइव करना है, ठीक है। सो मैं सोच रहा हूँ एक घर बना लूँ कि वो करो, एक काम करते, रुको अभी के लिए छोटा सा एक घर बना लेते। तो मेरे को तो मेटेरियल्स थोड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो गाइज मेरे को थोड़ा टाइम दो, तब तक मैं थोड़े रिसोर्सेज इकट्ठे करके, मतलब जो वुड वुड चाहिए होगा वो मैं इकट्ठे करके आप लोगों से थोड़े मिनट के अंदर मिलता हूँ। गाइस आप लोग चिंता ना करो, इस वर्ल्ड में एक अच्छा सा घर बनाने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए एक सर्वाइवल बेस बना लेते हैं ताकि हम लोग सर्वाइव कर पाए भाई, वरना हमको ज़ॉम्बीज तो मतलब आके मार के चले जाएंगे, ठीक है। तो एक बेस बना लेते,
एंड मैंने मटेरियल्स इकट्ठे कर ही लिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं अभी बेस बनाना। डन गाइस, हमने थोड़े पिलर्स इधर खड़े कर लिए। अब हमको उसका जो मतलब लेयर है, मैं सोच रहा हूँ इधर अभी के लिए ओक प्लैंक्स लगाऊंगा, बाद में मैं इसको स्टोन से वो कर दूंगा, लेकिन इधर मतलब ये एरिया को पूरा क्लीन कर देंगे बाद में, ठीक है। अभी के लिए एक सर्वाइवल बेस है अपना, जो मेन जो मतलब किंगडम बोलो घर बोलो जो होने वाला है वो अलग जगह होने वाला है, लेकिन अभी के लिए इसको बनाएंगे ताकि हम लोग सर्वाइव कर पाए। तो हमारे पास सारे मटेरियल्स है, मैं थोड़े प्लैंक्स बना लेता हूँ बिकॉज इधर मैं बिछाने वाला हूँ प्लैंक्स। रुको, थोड़े प्लैंक्स बना लेता हूँ, ठीक है गाइस। मैं ये पूरे प्लैंक्स इधर बिछा के आप लोग से थोड़े मिनट के अंदर मिलता हूँ बिकॉज इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो गाइस, हमारा बेस कुछ इस तरीके का लग रहा है घर का, लेकिन मतलब अपने सर्वाइवल बेस का। सो अभी हमको ये जो पिलर्स है इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाना है बिकॉज भाई रूफ थोड़ी मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छा बनाएंगे, ठीक है भाई। यार एक ही बार बनाएंगे सर्वाइवल बेस तो एकदम अच्छा बनाएंगे, बाद में इसको अपग्रेड करते करते एकदम खतरनाक लेवल में बना देंगे। सो उसके लिए मेरे को और अभी रिसोर्सेस इकट्ठे करने पड़ेंगे बिकॉज मेरे पास अभी बिल्कुल भी वुड मतलब प्लैंक्स तो है लेकिन मेरे पास लॉग नहीं है, मेरे को लॉग चाहिए होगा। तो चलो मैं थोड़े लॉग तोड़ के आप लोग से मिलता हूँ। ऑल राइट गाइज, मैंने सारे के सारे जो मटेरियल्स है जितने भी चाहिए होंगे मतलब जो ज़रूरी है वो मैंने इकट्ठे कर लिए, एंड अब चलो इस घर का मतलब भाई बार बार घर आ रहा है भाई, इस सर्वाइवल बेस का पिलर्स को थोड़े ऊपर लेके चलते हैं बिकॉज इतनी छोटी मतलब इतनी छोटी तो छत नहीं हो सकती ना। चलो और मैं काम करता हूँ, रुको ठीक है, रुको मैं इधर से आने जाने का एक रास्ता बना देता हूँ, ठीक है। चलो गाइस, अब मेरे को मैं पूरा आपको ये जो कंप्लीट करके मिलता हूँ, ठीक है। ऑल डन गाइज, मैंने पूरा घर का जो मतलब बेस है उसको तो कंप्लीट कर दिए। अब हमको ऊपर स्टेयर्स लगाने, मतलब बहुत अच्छा ही बनाने वाला हूँ, इतना भी अच्छा नहीं, बट अब अभी देखते जाओ, ठीक है। Thank you.
सो गाइस यार भाई पूरे के पूरे भाई पता नहीं कितने टाइम लग गए, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा टाइम बाद हमारा घर भाई कंप्लीट हो चुका है भाई। यार भाई बहुत मेहनत लगी है बनाने में। सो हमारे जितने टास्क थे जो मैंने सोच के रखा था, घर बनाना था, आयरन में थोड़ा सा अपग्रेड करना था और विलेज ढूंढना था, तीनों के कंप्लीट मतलब तीनों टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा अपना घर अपग्रेड करेंगे एंड थोड़ी माइनिंग करने वाले एंड थोड़े एडवेंचर्स भी आने वाले, ठीक है। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।